आज हमारी मुहूर्त पूजा हुई है, शी विल बी द नींबू ऑन द मसाला चाट। जो हम सोच कर गए थे वैसा हुआ नहीं। कुछ लोगों को जानती हूँ, कुछ लोगों को जानना बाकी है। ये खून में है पंजाबीपन। हाय, दिस इज मोनिका खन्ना एंड यू आर वॉचिंग टेली चस्का। हाय, थैंक यू। बहुत अलग होने वाला है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट द शूट। आज हमारी मुहूर्त पूजा हुई है। एज यू ऑल नो, आज गणपति पप्पा जा रहे हैं एंड वी ऑल प्रेड कि आप जाते जाते हमें और हमारे इस शो को ब्लेसिंग देकर जाएं। एंड वेरी एक्साइटेड व्हेन वी वेंट टू अमृतसर। सबसे पहले हमने जाके दरबार साहिब जी पे मत्था टेका, सो उनकी ब्लेसिंग्स भी साथ में हैं। सो वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द शूट एंड ऑल्सो कमिंग टू माई कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, तेजिंदर कौर, बहू ऑफ अटवाल फैमिली, एंड शी इज़ वेरी नाइस, वेरी फैमिली ओरिएंटेड एंड यू नो टेक्स केयर ऑफ द फैमिली एंड कभी कभार बिजनेस में भी हाथ बटा देती है। सो शी इज़ ओवरऑल सर्वगुण संपन्न एंड she will be the nimbu on the masala chaat. Actually, as an actor, I love to play more than positive negative. I love to play something which is kind of out of box. जैसे बहुत, जैसे मेरा एक शो था चीकू की मम्मी दूर की, उसमें मैंने एक कैरेक्टर निभाया था, वो मुझे करने में बड़ा मज़ा आया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कैरेक्टर ऑल्सो बिकॉज सिंस इट्स अ पंजाबी शो, आई एम पंजाबी, आई डोंट हैव टू डू मच ऑफ इट, इट विल कम ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप पंजाबियों का नाम सुनते हो तो जैसे लाउड, ड्रामा, शोशागिरी, ये सारी चीज़ें यू नो साथ में लग के आती है। सो आई हैव टू बी मी, आई डोंट हैव टू टेक मच ऑफ एफर्ट टू बिकम सम अदर एक्टर। सो या, अच्छा, सो या वी वेंट टू अमृतसर फॉर द शूट बिकॉज इट्स अ स्टोरी ऑफ अमृतसर एंड यू नो वहाँ पे जब हमने शूट किया तो इट वॉज़ वेरी टफ बिकॉज जो हम सोच कर गए थे वैसा हुआ नहीं। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज पोरिंग बैडली एंड वी ऑल वर वेरी यू नो वी वर लाइक कि क्या होगा, यू नो शूट होगा अभी कि नहीं होगा। बट देन एज आई सेड, जब बाबा जी की ब्लेसिंग्स होती हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता। तो फिर उसी में शूट हुआ एंड द प्रोमो हैज़ कम आउट सो नाइसली विच यू आर गोइंग टू सी वेरी सून, आई थिंक टुडे ओनली ऑन जी टी वी, सो डोंट मिस इट। नो, एक्चुअली आज ही हम सबको मिले हैं, द होल कास्ट, आई हैव मेट देम टुडे ओनली, बट अविनेश और तनीषा जो हैं वो, उनसे मैं यू नो अमृतसर में मिल चुकी थी तो अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई। दो तीन लोग जो हैं जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, फॉर्चुनेटली दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड द कम्फर्ट जोन इज़ ऑलरेडी देयर। सो कुछ लोगों को जानती हूँ, कुछ लोगों को जानना बाकी है। आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ वन वीक, सब एक दूसरे की तरह फैमिली की तरह हो जाएंगे एंड देन वील हैव अ रियली गुड टाइम टुगेदर। अभी मैंने जस्ट एज आई सेड दैट यू नो इट्स अ पंजाबी कैरेक्टर, सो जब मैं दूसरे कैरेक्टर पोर्ट्रे करती हूँ तो मुझे थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, यू नो बिकॉज ये खून में है पंजाबीपन। बट इन दिस शो आई डोंट हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई हैव टू बी मी, सो ये बहुत नेचुरली आएगा और बड़ा मज़ा आने वाला है। खाना पीना, शोशागिरी, ड्रामा, ट्विस्ट, टर्न्स, पंजाबी बोली, पंजाबी गिद्दा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स गोना बी रियली रियली गुड टाइम। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर ऑल द फैंस, जब मैं स्क्रीन पे होती हूँ तभी मुझे इतना प्यार देते हैं और जब मैं स्क्रीन पे नहीं होती हूँ तो मेरे आने का वेट करते हैं। ऑल दोज माई जेन्युइन फैंस
जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने मेरे हर कैरेक्टर को इतना सराहा है, इतना प्यार दिया है, इतना रिस्पेक्ट दिया है. आई थिंक अभी वापस से जब वो मेरा शो देखेंगे तो आई बिलीव एंड कि मुझे वैसा ही प्यार देखने को मिले, वैसा ही सम्मान मिले, एंड दे शुड लव मी एंड द एंटायर कास्ट एंड द होल शो. सो थैंक यू सो मच फॉर बींग सो नाइस, सो काइंड टू मी. एंड पर्सनली तो मैं सबको मिल के शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, इसलिए आपके ज़रिए बोलना चाह रही हूँ कि थैंक यू सो मच. आई हैव बीन रियली रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो.